चार अनियों की चर्चा अपनी चल रही है। चार अनियमों में करना नियम का प्रयोजन, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्षवाण प्रकाशक पेज नंबर 270, करना नियम का प्रयोजन। एक बात कही थी कि भाई करना नियम में जीवों के कर्मों के विशेष माने भेद तरह त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। जो जीव धर्म में उपयोग कराना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्तर मारना आदि विशेष तथा कर्मों के कारण अवस्था फल किस किस के कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष त्रिलोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने को जानकर आपसे विमुख होकर धर्म में लगते हैं, मैंने इसका अभ्यास तत्काल धर्म की प्राप्ति कराता है। ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब प्राप्त प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। मैंने ये नगद का काम कि उधारी वाला काम नहीं है, करना नहीं होता। जिस समय उपयोग रम जाता है तो तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, मैंने स्वयं परिणामों की विशुद्धि हो जाती है। स्वयं कैसे, उसमें उपयोग रमने से, उपयोग रमेगा नहीं तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। उपयोग रम गया तो कह रहे हैं उपयोग का रमना ही परिणामों की विशुद्धि, क्योंकि बिना परिणामों की विशुद्धि के उसमें उपयोग रम नहीं सकता। यूं कहे परिणामों का रमना इस बात का सूचक है कि वो उसकी उपयोग की विशुद्धि हो चुकी है, या परिणामों के रमने से उपयोग की विशुद्धि हुई ही जाती है। जितने काल ये रमा रहता है उसमें उतने काल उसकी उपयोग की विशुद्धि होती है। करना नियम कल अपने बात कही थी, करना नियम में क्या है, सूक्ष्म निरूपण। तो जब बुद्धि उसमें रमती है तो अपने आप उपयोग इधर उधर नहीं जाता है, और उपयोग उसमें रम जाता है तो स्वयं में पाप कार्यों से विमुख हो जाता है, और तत्काल उसी समय परिणामों की विशुद्धि उत्पन्न होती है, और उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। और ऐसा सूक्ष्म कथन, ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है अन्यथा नहीं, ऐसा जानकर जिनमत का दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। क्या जिन जैन धर्म की महिमा आती है, जैन धर्म की महिमा क्योंकि जिनमत का ऐसा सूक्ष्म निरूप, जिनमत में इतना सूक्ष्म रूप से निरूपण पाया जाता है, तो ऐसा जानकर जिनमत का दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। अभी तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो स्थूल है, जब बारीक एक एक समय की जीव की दशा, एक एक समय के परिणामों की अवस्था, कर्मों की एक एक समय की, एक एक समय के अंदर बांधे हुए कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं होती है, जीव के एक एक समय के भावों का निरूपण चलता है, और उपशम श्रेणी में एक एक समय में क्या क्या काम होते हैं, किस प्रकार से कर्मों की निंद्रा होती है, सब कर्मों में क्या होता है, और जब बहुत बारीक निरूपण जब चलता है तो जीवों को अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। इतना सूक्ष्म निरूपण है, मैंने सर्वज्ञता की श्रद्धा उत्पन्न होती है। सर्वज्ञ के बिना हो कोई इस बात का निरूपण कर ही नहीं सकता, इसलिए इसे सर्वज्ञ देव का ही ये कथन है, और सर्वज्ञ देव हैं उनकी सत्ता का भी आभास उनकी वाणी से होता है। वक्ता से वाणी से वक्ता के ज्ञान का भी पता चलता है। तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, तत्काल धर्म तत्काल परिणाम सुधरते हैं, धर्म उत्पन्न होता है ना, तत्काल श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा ज्ञान चाहे अपने आप उत्पन्न हो जाता है तत्काल, जैसे उपयोग उसमें रम जाता है जो आनंद आता है तो कहते हैं तत्काल उसको धर्म उत्पन्न होता है। श्रद्धा ज्ञान चाहे तो ये तो कुछ नहीं है, अभी करना नहीं होकर अभ्यास में उपयोग रम जाए और तो फिर खाना खाए ना, खाना खाते खाते नमक भी नहीं डला, ये भी ध्यान नहीं रहता उसका, उसमें उपयोग रमा होता है। मतलब आत्मा अनुभव, आत्मानुभव की प्राप्ति परंपरा से होती है, साक्षात नहीं, साक्षात आत्मानुभव के कारण द्रव्य नहीं होता, करना नहीं हो उस तत्व श्रद्धांत को कारण है, उपयोग रमाने के साधन परिणामों की विशुद्धि का साक्षात कारण है। धर्म की प्राप्ति कभी कभी परिणामों की विशुद्धि को भी धर्म कहा जाता है। शंका समाधान होती होगी उसके अंदर, उससे भी एकदम श्रद्धा बढ़ जाती है। शंका समाधान तो भाई, शंका समाधान से मतलब नहीं, उसमें सूक्ष्म निरूपण है, केवल ज्ञान कर्म विषयों का निरूपण है, तो प्रत्येक पदार्थ का निरूपण सूक्ष्मता से किया है। जैसे उदाहरण के लिए
एक समय, अब एक समय क्या है, तो एक सेकंड का वर्णन करेंगे कि एक श्वासोच्छ्वास, एक मुहूर्त में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं, कितने 3773 एक मुहूर्त में, तो एक श्वासोच्छ्वास कितना बड़ा हुआ, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट में यदि 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं तो एक श्वासोच्छ्वास कितना बड़ा हुआ, 48 सेकंड का होता लगभग, पौन सेकंड का एक श्वासोच्छ्वास, पौन सेकंड के अंदर संख्या हजार कोड़ा कोड़ी आंवली होती है और एक आंवली में जगन असंख्यात की पावर, जगन असंख्यात प्रमाण समय होते हैं, मैंने कितने समय होते हैं कि जगन असंख्यात की पावर, जगन असंख्यात, असंख्यात की पावर असंख्यात, इतने समय होते हैं है ना, असंख्यात को असंख्यात बार आपस में रखकर गुणा करो उतने समय एक आंवली में, और असंख्यात कितना बड़ा है, आपको खराब वरब कुछ नहीं लगता उसके आगे, खराब की पावर खराब करो तो भी बहुत छोटा है असंख्यात, नील की पावर नील असंख्यात नहीं आएगा, असंख्यात बहुत बड़ी राशि, उस असंख्यात की पावर असंख्यात उतने समय एक आंवली में है, और इसी संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंवलिया एक श्वासोच्छ्वास में, अब बोलो कितनी सूक्ष्मता से मेरे को, मैंने जो हमारे लिए एक पलक झपकाने जितना समय है पौन सेकंड, उस पौन सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आंवलिया है, मैंने पौन सेकंड के करोड़ टुकड़े करो, एक टुकड़े के फिर करोड़ टुकड़े करो, एक टुकड़े के हजार टुकड़े करो, एक जो आया उसके फिर असंख्यात टुकड़े करो, फिर एक जो टुकड़ा आया उसके फिर असंख्यात टुकड़े करो, ऐसे असंख्यात बार असंख्यात टुकड़े करो, तब जाके एक समय आए। सूक्ष्म, ऐसा सूक्ष्म कथन, अब एक एक समय का निरूपण है जिना कम, चार समय में जीव अगली गति चले जाता है, कोई आदमी मरता है ना, मरने के बाद में उसको अगली गति में जाने में कितना समय लगता है, अधिक से अधिक चार समय पहुंच जाए, तो आप सोच लो चार समय मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी जीव को पता ही नहीं चल सकता है कि मर गया, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ केवल ज्ञान में, क्या कोई सामान्य मति शुद्ध ज्ञानी की बस की नहीं है कि वो बता दे हाँ ये, और वो जीव तो जितनी जगह उतनी देर में जाके नया जन्म धारण कर लेता है, चार समय कितने सूक्ष्म है, लोग उसकी चिंता करते रहते हैं, और इतनी देर में तो वो अंतर्मुलक में जवान हो जाता है कहीं भी जाकर, है जब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि जीव चला गया है, तब तक तो वो जीव नूतन देह धारण कर लेता है, इतनी सूक्ष्मता से कुछ ये तो कुछ भी नहीं है, समझ लो एक बिंदु मैंने मारा, एक बिंदु, उस बिंदु के, उस बिंदु के टुकड़े करो आप, कितने टुकड़े कर सकते हैं, कितने असंख्यात मतलब कल्प काल के जितने समय होते हैं ना, 10-20 कोड़ा कोड़ी समय, तो हर एक समय में एक एक टुकड़ा करते जाओ 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक टुकड़े करो उसके, एक एक अलग अलग, तो उसके अंदर कितने प्रदेश है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों से असंख्यात गुने प्रदेश, एक सुई की नोक जितनी जगह, सुई की नोक जितनी जगह पे जो प्रदेश है, उन प्रदेशों को एक एक करके खत्म भी करें तो कई कोड़ा कोड़ी कई कल्प काल तक हम खत्म नहीं कर सकते उसमें, कितने प्रदेश है सुई की नोक जितनी जगह, मैंने सुई की नोक के कितने पार्ट कर सकते हैं आप, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय से भी असंख्यात गुने, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, ऐसे असंख्यात कल्प काल भी बीत जाए तो भी उसके प्रदेश खत्म नहीं होंगे, इतने प्रदेश, जैसे परमाणु कितना सूक्ष्म होता है,
ये जो दिखता लोग जिसको परमाणु कहते हैं मॉलिक्यूल को, उसमें अनंत परमाणु है जो दिख रहा है दुनिया में, वो स्कंद है और वो भी चाक्षुष स्कंद, चक्षु इंद्र से दिखाई देने वाला। यदि उसके टुकड़े किए जाएं तो उसके अनंतानंत टुकड़े और किए जा सकते हैं। और तब भी इस परमाणु में आएगा, उसके भी और अनंत टुकड़े करो तब वो परमाणु, परमाणु इतना सूक्ष्म है, परमाणु कहो या अणु कहो एक ही बात, जिनागत में एक ही बात। परमाणु मतलब क्या चीज है, मतलब लोग कहते परमाणु, लोगों का जो परमाणु है वो स्कंद भी है, चाक्षु स्कंद है बहुत बड़ा वाला, उसके अनंत भाग अभी किए जा सकते हैं तब भी वो स्कंद रहेगा, उसके फिर और अनंत एक स्कंद अनंत अनंत भाग करो तब कहीं जाके उसका एक परमाणु मिलेगा, इतना सूक्ष्म परमाणु। जैसे विभाग प्रतिशीलता भाव की इकाई, जो गुण होता है गुण का सबसे छोटा अंश, शक्ति का विभागीय अंश, जैसे चिकनाई का अंश, ज्ञान का अंश, दर्शन का अंश, सबसे छोटा अंश गुण का सबसे छोटा अंश, उसका विभाग प्रतिच्छेद होता है, वो भाव की सबसे छोटी इकाई होती है। उद्गल का मतलब जैसे कोई भी गुण ले लो आप, उद्गल का, जीव का, कोई गुण, उस गुण की सबसे छोटी इकाई जिसका हम दूसरा विभाग नहीं कर सकते, उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं विभाग प्रतिच्छेद। तो वो गुणों की इकाई होती है माने भाव की, उसका विभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग विभाग भी किया जा सकता है जिसका प्रतिच्छेद। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चार इकाइयां हैं, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, उद्गल द्रव्य की, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है प्रदेश, काल की सबसे छोटी इकाई है समय, और भाव की सबसे छोटी इकाई है अविभाग प्रतिच्छेद। इतने सूक्ष्म है, और बड़ा देखो जाओ तो बड़ा देखने में जाओ तो एक राजू कितना बड़ा, एक राजू कितना बड़ा कि एक 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 राजू को नापने के लिए सोदर विशाम सड़क से अपने चार्टर प्लेन बुलाया। उस प्लेन चार्टर प्लेन की विशेषता क्या कि वो एक समय में 80 करोड़ मील ट्रेवल करता है। कितना 80 करोड़ मील, कितने समय में एक समय, और हर समय उसकी रफ्तार दूनी होती जाती है। जैसे पहले समय जितनी रफ्तार है उससे दूनी रफ्तार अगले समय, उससे दूनी रफ्तार अगले समय, उसकी स्पीड डबल होती जाएगी। तो ऐसे कितने समय में वो राजू कार क्रॉस कर लेगा, कितने समय में, 25 कोड़ा कोड़ी सागर में, 25 कोड़ा कोड़ी सागर के समय जितने होंगे उतना काल लगेगा उसको आधा राजू ट्रेवल करने। इतना बड़ा राजू है, करना नहीं वर्णन करता तो बड़ी चीज का ऐसे बढ़ेगा ले हो, छोटी का नित्य छोटी का आके चकित रह जाएगी संसार क्या चीज है। 25 कोड़ा कोड़ी सागर तक, अब वो सागर क्या है, वो पल्ल के अंदर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर होता है, और एक पल्ल में असंख्यात करोड़ पुल होते हैं, और 1 करोड़ कुल में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं, मतलब कितने समय तक ट्रेवल करता रहेगा वो, और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4-5 समय में तो उसकी स्पीड डबल के डबल, हर समय डबल हो रही है। पहले समय में 80 करोड़, एक समय में 80 करोड़ माइल, दूसरे समय में 160 करोड़ माइल, मतलब एक समय में 160 करोड़ माइल ट्रेवल करता है, और तीसरे समय में 320 करोड़ मील एक समय में, 640 करोड़ मील चौदह समय में, 640 हो गए 1280 करोड़ मील। अब 10-20 समय में तो आपने कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। दोनों केस को क्रॉसचेक नहीं कर सकते ना, किसी भी मैक्रो लेवल समय को भी और अपने ये राजू को भी, तो फिर नहीं तो ये करना नियोग तो केवल ज्ञान कम नहीं है, इसमें हेतुवाद का प्रवेश नहीं है। असंख्यात अपने को समझ में आना चाहिए, असंख्यात कितना बड़ा है इसको ऐसे बताया, उसमें असंख्यात समझने के सबसे पहले जरूरी असंख्यात क्या है, असंख्यात को समझ जाए तो सब समझ में आ सकता है। जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते,
समझ सकते हैं ना असंख्यात को समझ सकते हैं, गणित है उसका, वो गणित को समझाना पड़ेगा, चार गड्ढे बनाने पड़ेंगे, एक शलाका कोण, प्रतिशलाका कोण, महाशलाका कोण, अनुवस्था कोण, चार गड्ढे बनते हैं उसके, अनुवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, पूरा गणित है उसका, जैन गणित है पूरा, ऐसा नहीं जैन दर्शन कुछ फालतू ऐसी बात नहीं करता, उठपटा जिसके करीब कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं होती बात, वो सब वहाँ सब हर चीज के पीछे वो पूरा गणित दिया हुआ है, वो गणित पढ़ने का अपने पास समय नहीं है, बात अलग है, गणित है पूरा। मैंने दिया था आपको दो तीन पन्ने पढ़ने का, समझ नहीं आया उनके लिए क्या गणित है उसका पूरा, समझ नहीं। तो उसमें गणित के अंदर गोमट सार कर्मकांड के अंदर संक्षेप में दिया है, और आपके त्रिलोक सार में, त्रिलोक सार की प्रस्तावना में है, और समय ज्ञान चंद्रिका में तो है ही कही, समय ज्ञान चंद्रिका में पर्याप्त मेरे भोजन देखा पर्याप्ति मारणा के बाद पुनस्थान जीव समाज पर्याप्ति प्राण पर्याप्ति मारणा के अंदर है, पर्याप्ति 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 के अंतर्गत मतलब दिया उन्होंने अलौकिक गणित, उसका नाम है अलौकिक गणित, अलौकिक गणित उसका नाम है, क्या नाम है, अलौकिक गणित उस विषय का, यार उसमें सब दिया ऐसा कुछ नहीं, उसे मैथ से पूरा करने को आना चाहिए। पढ़ने के लाभ ही समझ में आया, रियल पोजीशन क्या है, चौदह राजू तंग नाम बोल दे, बोलने को क्या है, क्या चौदह राजू क्या चीज है, एक राजू बराबर क्या है। हाँ भाई अपने अपन तो कोई भी चीज यदि समझ में आती है तो उसकी भाव वासना अच्छी होती है, तो वो चीज समझ में आती है तो उसकी डेप्थ पड़ती है, समझ समझने के बाद में समझने की गहराई बढ़ती है कि क्या चीज है ये, तो अपने परिणामों में और विशुद्धि बढ़ती ऐसा सब काल्पनिक नहीं लगता, हर चीज जब समझ में आती तो क्या है, जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, तो सूझे लोकालोक केवल कहने की बात नहीं हो, वो वास्तव में लोकालोक सूझ जाता है, यही केवल ज्ञान गम्य वस्तु का निरूपण है, केवल ज्ञानी ने जो देखा है वो आपको दिखाया जा सकता है, आप देखने के लिए तैयार होना चाहिए बस, और इसके लिए चाहिए बहुत समय और रुचि। अब आपको समझ लो अपने परिवार वालों को देखना है अभी तो कुछ नहीं दिखाई जा, पूरा डेडिकेशन मांगता है काम, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, पढ़ो दो चार छः घंटे, मैं तो कहता है लोग गणित तो दो चार दिन भी लगाओ यदि मन तो पढ़ सकते, बहुत प्यार टफ भी नहीं है सर, रुचि रुचि की बात है। जैन गणित तो ऐसा गणित है, मैं तो आज भी कहता हूँ तो जैन गणित में जो जिस तरह से निरूपण किए हैं, कई विधियाँ ऐसी है जो विधियाँ अपने को कहीं देखने को नहीं मिलती, गुणा करने की, वर्गमूल निकालने की, वो सब विधि अलग अलौकिक है, और वो उसको पहले उस तरीके से पढ़े पहले क्या है उसका तरीका, तो वो समझ में आया गणित है उसका अपना एक। मतलब आपको जो आपने सीख रखा उस गणित से बता, गणित तो अपन नहीं सीख, मतलब वो जो अलौकिक गणित है वो सिखा देंगे, लौकिक गणित नहीं, कि गुणा भाग तो आता ही है सबको उसके ऊपर, हाँ ये तो आती है ना, इसलिए वो अपन को ये नहीं जाना है, रिसर्च तो करनी नहीं कोई, अपने तो आत्मकल्याण के लिए पढ़ना है, तो अपन वो जो गणित की विधियाँ हैं अलग अलग तरह की वो छोड़ के जो मूल अलौकिक गणित है, असंख्यात निकालने की विधि, अनंत निकालने की विधि, असंख्यात के भेद निकालने की विधि, लोकाकाश के प्रदेश, राजू कितना बड़ा है ये निकालना है, पल कितना बड़ा है, सागर कितना बड़ा है ये निकालना है, खास खास तीन चार चीज़ें हैं ऐसे ज़्यादा बड़ी नहीं, उसमें पल निकालना है, तो पल के अलावा एक सुच्यंगुल निकालना और एक राजू निकालना, तीन चीज़ें तो निकालना है, पल सुच्यंगुल और राजू, ये तीन चीज़ें निकालने में समझ आ जाएगा, राजू सबसे बड़ी है, कही राजू बड़ी है, पल सुच्यंगुल राजू ये हो गया इधर, और असंख्यात समझने की जरूरत है कि असंख्यात कितना बड़ा होता है, संख्यामान में असंख्यात और अनंत, संख्यामान के तीन भेद, संख्यात असंख्यात और अनंत, तीन तो ये समझ लो, और उपमामान के आठ भेद है, उसमें आठ में अपन ने पल्ल भी समझ लिया, पल्ल सुच्यंगुल और राजू, ये तीन चीज़ें समझने की उसके अंदर खास खास, और फिर उसके अंदर ये है मतलब मेन, तो उसके अंदर फिर वो सीरीज वगैरह भी होती है, तिरुपर धारा वर धारा गन धारा घना गन धारा, बहुत सारी चीज़ें उसमें, लेकिन काम काम की एक तिरुपर धारा उसमें, एक चौदह धारा है, चौदह धारा तो लौकिक धारा वाली नहीं,
जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक धारा ये होगी, इसको कहते हैं सर्व धारा। उसमें सारे नंबर आ गए एक से लेकर अनंत तक, अक्षय अनंत तक, केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छे जितने अनंत उत्कृष्ट अनंत अनंत। फिर दूसरी धारा उसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सम धारा, एक विषम धारा 1, 3, 5, 7 एक कृति धारा 1, 4, 9, 16, 25 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे 49 प्रति धारा वर्ग वर्ग वाले जो वर्ग से आते ना, और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 मैंने वर्ग वर्ग छोड़ो आकृति धारा। एक घन धारा है जिसमें घन धारा में 1, 8, 27 घन है। एक द्विरुवर्ग धारा है उसको द्विरुवर्ग धारा सबसे काम की। द्विरुवर्ग धारा में क्या है जिसे सबसे पहला नंबर है उसका 4 पहला नंबर 4 दो का वर्ग 4 4 का वर्ग 16 16 का वर्ग 256 256 का वर्ग 65536 65536 का वर्ग बादाल बादाल होती है बादाल का वर्ग इकट्ठी इकट्ठी का वर्ग करते जाओ उसमें पराठी तो पहले ही हो गया 65536 कहते पराठी पराठी बादाल इकट्ठी ऐसे जाओ कहाँ आएगा बोले तो वो बहुत आगे जाके फिर कहाँ समझा जाता है कहाँ फल जाएगा भाव वासना हो सकती है अपने को असंख्यात कितना बड़ा है मतलब असंख्यात भले ही लगता है गया 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 गया